नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर पुलिस ने सूचना के आधार पर दो नशा तस्करों को किया काबू, 6 किलो हेरोइन एक कार की बरामद। अमृतसर की श्री गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल का किया गया आयोजन, कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौक अड्डा होशियारपुर जालंधर में धूमधाम से मनाया गया गुरु पर्व। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने माथा टेक प्राप्त किया आशीर्वाद। अरब हलचल विस्तार से। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के दिशा निर्देशों पर नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत इंटेलिजेंस पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब मुखबिर की सूचना के आधार पर अटारी जब्भाल रोड पर नाकाबंदी के दौरान दो नशा तस्करों को काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पकड़े गए दोनों नौजवान अमेरिका में बैठे जसमीत सिंह उर्फ लक्की के दिशा निर्देशों पर काम करते थे। उन्होंने बताया कि जसमीत सिंह उर्फ लक्की पर पहले ही लगभग 11 मामले दर्ज हैं और पकड़े गए आरोपियों पर भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 किलो हेरोइन और एक I-20 कार भी बरामद की है। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सीएम साहब पंजाब साढ़े DGP साहब दिया हिदायतां ने कि नशा तस्करी और जिहड़ा गैंगस्टर कल्चर है उसके खिलाफ जीरो टैलरेंस पॉलिसी है, उसके तहत कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर वालों एक बहुत बढ़िया इंटेलीजेंस लैड ऑपरेशन दे विच 6 किलो हीरोइन बरामद की गई है, जो कि मैं समझदा कि काफ़ी वड्डी एक मात्रा दे विच सीजर है। और जिन्ने एक फिगर्स मैं पुराने भी देखे है, शायद कमिश्नरेट के जोड़े कंसर्न पुरानी रिकवरी ने काफ़ी सिग्निफिकेंट हैगी है। ये दो बंदे गिरफ्तार किए गए ने स्मगलर, जेडे जिन्हों का नाम हैगा, एक दा महेंद्रपाल सिंह और दूजा हैगा सौरव शर्मा। दोनों हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट रहने वाले ने, जसमीत एलियस लक्की जो कि हुशियारपुर का ही रहने वाला, वो अमेरिका बेस्ड है इस वेले, वो इशारों के उत्ते काम करते हैं। दोनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड जसमीत लक्की का, जिहड़ा महेंद्रपाल है वो कई मुकदमों वॉन्टेड है। जसमीत लक्की के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज ने और मर्डर अटैम्प्ट टू मर्डर NDPS के भी ने, जिहड़ा महेंद्रपाल है खिलाफ हर्ट केस 307 अटैम्प्ट टू मर्डर वगैरह वो परचे दर्ज ने। सौरभ शर्मा के कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अजे पता नहीं लग्या। तो साढ़े CIA 3 की पार्टी जी सुपरवाइज कर रहे थे मिस्टर अभिमन्यू राणा, जोड़े साढ़े ADCP 3 ने और सारी टीम ने बहुत वधिया ये जिहड़ा ऑपरेशन नू कामयाब किया। और जिहड़ी इन्हां दी अरैसट हुई है वो अटारी झबाल रोड तो हुई है, बुरज पिंड दे कोल। इन्हां तो I-20 गड्डी भी मिली है। बाकी जिहड़ी पुछगिछ प्रिलिमिनरी तो पता लग्या कि पहला भी इन्होंने कुछ खेपां जिहड़ियां रिसीव कीतियां इसे तरह और अगे जिहड़े नैक्सट हैंडलर सी उन्हां नू हैंडओवर कीतियां। ये जी नैक्सस है अपन पता ही क्रॉस बॉर्डर है, अमेरिकन एंगल नवा आया कि अमेरिका च बैठा बंदा किस तरह गाइड कर रहा है ड्रग नैटवर्किंग। और मैं इस वास्ते सारे नू सारी टीम नू दी शलाघा भी करता, उन्होंने वाजिब इनाम दिते जा। देखो अजे बहुत अर्ली है, अज सवेर की गल है जो अरेस्ट हुए ने, अजे कोर्ट च भी प्रोड्यूस होने हैं, रिमांड भी लिया जाना है। तो जिहड़ी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन दी गल्लां तुहाडे नाल शेयर कीतियां गईआं, जिवें जिवें कोई अगे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगी तुहाडे नाल डेफिनेटली शेयर करांगे। 11 मुकदमे दस्सिया जी, मैं 11 मुकदमे ने, उस च NDPS दे भी है, मर्डर भी है, अटैम्प्ट टू मर्डर भी है। ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ।
ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਡਲਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸਰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਉਹ ਚੌਥੀ ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲੱਕੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਲੱਸ 2 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਰਕੋ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਸਮੀਤ ਏਲੀਅਸ ਲੱਕੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੇ ਟੂ ਅਰਲੀ ਟੂ ਸੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਆ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਆਲਰੇਡੀ ਪਰ ਉਹ ਹਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਸਮੀਤ ਲੱਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਵੀ ਹੈ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਸਮੀਤ ਲੱਕੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਔਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਹਾਂਜੀ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ 6 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਹੀ ਹੈ ਕਾਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਯਾਰ ਅਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲੜਕਾ ਸੌਰਵ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ 3 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਸਰ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਕੇਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਗਏ ਸਰ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਈ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮੇ ਰਾਜ ਸਤਰੀ ਸਮਾਗਮ ਮੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਸੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਕਰ ਦੀਪ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕਰ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਔਰ ਕਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਨੇ ਕੀ ਹਮੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮੇ ਬੱਚੋ ਕੀ ਕਲਾ ਭਾਂਗੜਾ ਏਵਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਮੇ ਯੇ ਬੱਚੇ ਇਤਨੀ ਕਲਾ ਕੇ ਧਨੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਸਪਨਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਵਹੀ ਝਲਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲੀ ਔਰ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਸਪਨਾ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾ ਥਾ ਜੋ ਅਬ ਪੂਰਾ ਹੋਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗ ਸਵਾਮ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੇਲਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਗਿੱਧੇ ਚ ਕੋਈ ਭੰਗੜਾ ਕੁਛ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜੋਬਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ
ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਦਮ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁਗ ਸੁਆਮ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਮੀਤ ਹੇਜ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਤਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਭੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਸ। ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਆਬਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੌਂਕ ਅੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਮੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਏਵਮ ਧੂਮਧਾਮ ਸੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਭੋਗ ਡਾਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜਥੋਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨੋਂ ਸੇ ਜੋੜਾ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਕਰ ਮਾਥਾ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਸਦਸਯੋ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸਿਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਭਾਟੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਚਿਵ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਮਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਹਿਤ ਅਸੰਖਿਆ ਸੰਗਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਬੀਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। Yeah.
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौंक अड्डा हुशियारपुर जलंधर विखे धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा और सत्कार नाल मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर से भाई जतेंद्र सिंह जोध भोगपुर वाले भाई अनमोल सिंह भाई सुखविंदर सिंह अनमोल भाई पवनीत सिंह भाई गुरपाल सिंह बीबी भानी जी सेवा सुसायटी इसतरी सत्संग की बीबिया ने संगीत अकैडमी के बच्चे उन्होंने बहुत ही सुचजे ढंग नाल रस पिने कीर्तन कथा द्वारा संगतान नूं निहाल किया। उपरंत गुरु के त्रुट लंगर वरताए गए। अज के इस अवसर से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिन्हें भी नाम लेवा गुरु नानक देव जी दे और इलाका निवासी शहर निवासी और जिन्हें भी साढ़े प्रबंधक कमेटी के संगत साढ़े गुरुद्वारे हाजरी भर दियां उन्होंने इस शुभ अवसर से प्रबंधक कमेटी वालों लख लख बधाई देने हैं। खास करके बहु शीतल बीर जी का धन्यवाद करते हाँ हलचल चैनल तो जो भी ये साढ़े प्रोग्राम इतने होंगे उसकी रिकॉर्डिंग करके ये सारी दुनिया तक पहुँचाते हैं। इन्हों का तहे दिलों कमेटी वालों धन्यवाद करते हाँ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अमृतसर मेडिकल एसोसिएशन की ओर से डॉक्टर अशोक उप्पल की अध्यक्षता में एमाकॉन 2023 का आयोजन किया गया जिसमें विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता लुधियाना के निगम कमिश्नर संदीप ऋषि अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक तलवार पंजाब आईएमए के अध्यक्ष सुनील कटियाल जीएमसी अमृतसर के डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव देवगन सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार एडीसी जसविंदर सिंह रमदास ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक उप्पल ने सदस्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में एक वीडियो के माध्यम से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि आजकल पंजाब की आबोहवा प्रदूषण के कारण इतनी खराब हो चुकी है कि इसके बारे में विचार करने की जरूरत है क्योंकि प्रदूषण और गंदगी ही रोगों का सबसे मुख्य कारण है। वहीं उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी है जिससे लोगों को चिकनगुनिया डेंगू जैसी कई प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास एवं जागरूकता और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके ऐसे रोगों से बचा जा सकता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो आज का मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इसमें दो एस्पेक्ट्स थे, एक तो हमारी कॉन्फ्रेंस का एमाकॉन, ये सेकंड एमाकॉन है, तो इस एमाकॉन में हमने मल्टी स्पेशलिटी टाइप न्यूरोलॉजी कार्डियोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फीवर है ब्लड प्रेशर बढ़ रहेगा है तो इसके बारे। और दूसरा जो इनॉग्रेशन का थीम था वो था पोल्यूशन सोशल हेल्थ पब्लिक हेल्थ के पब्लिक को कैसे अपने आप को ये जो बुखार आते हैं चिकनगुनिया आता है डेंगू आता है टाइफाइड हो जाता है ये वॉमिटिंग और लूज मोशन लग जाती हैं और या और भी चीज़ें जो हमने पोल्यूशन का डिस्कस किया कि आप देखो पानी ना साफ होने से मछलियां मर जाती हैं एयर पोल्यूशन होने से दमा बढ़ जाता है गाय तो इसी तरह ये सारी बीमारियों से अधरंग भी बढ़ता है एपिलेप्सी भी बढ़ती है तो ये सारी चीज़ें हमने इनॉग्रेशन में कवर की जिसमें हमारे एमएलए डॉक्टर अजय गुप्ता ने बहुत अच्छा बोला आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनील कटियाल है उन्होंने बहुत अच्छा बोला संदीप ऋषि जी हैं आईएएस उन्होंने अशोक तलवार जी ने उन्होंने तो ये सारों ने ये बताया और सिविल सर्जन जो हमारे अमृतसर के डॉक्टर विजय कुमार जी तो हम सब ने सोचा ये एक बना के सोचा गया है कि आगे से ऐसे सेमिनार हमें डिपार्टमेंटों में जाके करेंगे पब्लिक हेल्थ के प्रिवेंशन के पब्लिक में तो हम पहले करते थे तो उन्होंने ये सजेशन दी कि आप जैसे कॉरपोरेशन का ऑफिस है या डीसी का ऑफिस है या ऐसे ऑफिस में जाके भी ये सेमिनार करने चाहिए जिसमें सबको और जानकारी मिले कि अपने आप को बचाना कैसे पब्लिक ने अपने आप को इन बीमारियों से कैसे बचाना। सुल्तानपुर लोधी के पत्रकार एवं उसके कैमरामैन पर पुलिस द्वारा किए गए जानलेवा हमले की पंजाब प्रेस क्लब और ऑल इंडिया पत्रकार यूनियन की ओर से कड़ी निंदा की गई जिसके चलते पूरी राजनीति गर्मा गई है। तो वहीं इस घटना ने पुलिस के व्यवहार के साथ साथ पंजाब की दुनिया भर में बदनामी करवाई है। पंजाब प्रेस क्लब के प्रधान ने कहा कि पुलिस को कानून का कोई डर नहीं है और ये सब कुछ सुल्तानपुर लोधी में देखने को मिला।
जब एक चैनल के पत्रकार पर पुलिस ने अत्याचार कर उसके कान का पर्दा फाड़ दिया और कैमरामैन के हाथ की अंगुलियां तोड़ दी। उन्होंने कहा कि इन दोनों पत्रकारों के लिए इंसाफ की लड़ाई पंजाब का पूरा पत्रकार भाईचारा एकजुट होकर लड़ेगा। तो वहीं ऑल इंडिया पत्रकार यूनियन के सचिव ने कहा कि पंजाब पुलिस इतनी ज्यादा गैर संवेदनशील होगी इसका अंदाजा नहीं था। उन्होंने कहा कि इस मामले को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के ध्यान में लाया जा चुका है और इस मामले में दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करवाने के लिए जत्थेबंदी अंत तक लड़ेगी। पंजाब का पूरा भाईचारा दोनों पत्रकारों के साथ खड़ा है। कहा है कि पुलिस जब्त नहीं कर सकती किसी पत्रकार का मोबाइल तो लैपटॉप क्योंकि वो निजी जानकारी तो आर्थिक मामलों में जुड़ी जानकारी भी होंगी ये निजता का जोड़ा अधिकार हैगा वो भी उलंघना हैगी। इस करके बहुत सारिया धारावान ने जिदे तहत जाने के मामला दर्ज किया जाना चाहिए। असी बकायदा ये पत्रकार जो चरणजीत है उन्होंने वालों जी शिकायत है वो भी संबंधित अधिकारी जो भेजेंगे। मेरे कैमरामैन दोवें उंगलों तोड़ दित्तियां और मेरा जोड़ा कन का पर्दा फट गया और इस चीज़ की वो कार्रवाई करवानी है। जिड़े जिड़े बंद ने मेरे देते हमला किया मेरे कैमरामैन देते उसनों जो मैं छुड़ा गया आई डी चकन गया तो मेरे कन का जो पर्दा फट गया मेरे नाल धक्का मुक्की हुई और मेरे मतलब जी सट्ट लगी नहीं सार लैन लिया हॉस्पिटल के तो कोई नहीं हजे पहुंचे क्योंकि देखो उन्होंने उत्ते कार्रवाई करवा तो पता लैन तो नहीं पहुंचने। उस दिन 15 बारी घट्टो घट एस एस पी साहब ने मैं कहा हाँ जी डी आई जी साहब ने कहा कि हाँ भी मैं साडा मोबाइल जो सू वापस दिता जाए और जी असं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते पर असी इस करके कार्रवाई नहीं करना चाहते क्योंकि एक नौजवान जो शहीद हो गया होमगार्ड का जिसका कि इस करके असं इस इशू नहीं बनाने चाहते हूँ माहौल शांत हो गया। उस तो बाद साडा एम एल आर जी कट्टी गई है मेरे कैमरामैन की भी कट्टी गई है मेरी भी कट्टी गई है और इसका जोड़ा वा जी कानूनी कार्रवाई असं करके रहेंगे जिन्ना मर्जी सू दबाने की कोशिश कर लैन जो मर्जी कर लैन इस चीज़ के उत्ते असं कर ट्रीटमेंट चल रहे हैं। ट्रीटमेंट जो मेरा लगातार चल रहा वा और जो कन का पर्दा फटिया वा उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा वा और मेडिकल जो अमृतसर भी शायद मैंने चैकअप करवाने लिए जाना पड़ेगा। कैमरामैन की हालत इस टाइम कैमरामैन का जो ऑपरेशन हो रहा इस टाइम दो उंगलों की जो टुट गई वा तो वो जो ऑपरेशन जो किया जा रहा वा। अमृतसर में एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने होम टू एनिमल संस्था के साथ मिलकर नोवेल्टी चौक में एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर रोहन मेहरा की अगुवाई में लोगों को पशुओं से प्यार करने का संदेश दिया और लोगों को जागरूक किया। डॉक्टर रोहन मेहरा ने कहा कि इन बेजुबानों को भी हमारी तरह दर्द होता है, हमें इन बेजुबानों पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत से लोग इन बेजुबान जानवरों पर अलग अलग तरीकों से अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने बच्चों को भी पशुओं के साथ प्रेम करने की शिक्षा देनी चाहिए। ये बेजुबान जानवर भी हमारे समाज का एक अटूट हिस्सा है, हमें इनकी पीड़ा को समझना चाहिए और अगर हम किसी बेजुबान को किसी दर्द में देखते हैं तो उसकी पीड़ा को समझते हुए उसकी सहायता करनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि हम रोजाना की जिंदगी में देखते हैं कि डेयरी वाले गाय को बूढ़ी होने के बाद सड़क पर छोड़ देते हैं, रेडी वाले घोड़े पर वजन ज्यादा डालते हैं, पक्षियों को लोग पिंजरे में कैद करते हैं, कुत्तों की जनसंख्या कुछ इलाकों में ज्यादा होने के कारण लोग इन्हें डंडों से पत्थर से पीटते हैं। इस तरह से कुछ लोग इन बेजुबानों पर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए इन पशुओं के प्रति स्नेह रखना बेहद जरूरी है और लोगों को उनके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए एसोसिएशन ने होम टू एनिमल्स संस्था के साथ मिलकर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर होम टू एनिमल्स के अभिषेक सिंह, अर्षदीप सिंह, लवंतिका पलक, प्रभसिमर आराध्या, एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन के हनी मेहरा, डिंपल कुमारी, सुमन नैयर, अजय श्रृंगारी, रुपेश धवन, ध्रुव मेहरा, देव पांडे, अर्षदीप सिंह, अमित किशोर कुमार भी मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हूँ मेरा चेयरमैन एंटी क्राइम एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन मेरे नाल होम टू एनिमल्स जिहड़ी संस्था स्टूडेंट्स वालों बनाई गई है उन्होंने फाउंडर जिहड़े अभिषेक जी ने ते बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जिहड़ा वा स्टूडेंट्स वालों स्टार्ट किया गया वा कि असी जागरूक करना चाहते हैं लोगों को जिहड़ा अजकल देखते हैं कि सड़क पर या फिर अलग अलग जगह पर घर के भी कई जगह पर जिहड़ा वा अत्याचार किया जा रहा तो असी पशुओं से तुहानू काफ़ी सालों तो इस चीज़ से तुहानू भी पता वा भी असी फाइट कर रहे हैं भी किस तरीके दे नाल अत्याचार जिहड़ा रोकिया जाए।
एक नवी शुरुआत जी बच्चों वालों की गई है। मैं इन्हों की बहुत ही शलाघा करता वा क्योंकि एक जो यूथ अगे आती है तो मैं कहांगा अगे जो हूँ एनिमल्स के रिलेटिड जोड़ा वा सूँ रवैया चेंज करना पेगा। असं सड़क से देखते हैं घोड़िया के उपर वजन ज़्यादा लद्या हों डेयरी वाले जो गुवं पुटिया हो जाए ने बहर कड़ देंगे ने जिस जगह के कुत्ते ज़्यादा ने उत्थे कुत्तों डंडे मारे जाते हैं तेजाब पाया जाता है बहुत सारे योजना घनौनिया हरकत की जा रही ने। तो मैं इस इनिशिएटिव में इन्हों का थैंक्स करना चाहवागा होम टू एनिमल जी एन जी ओ है। मैं हमेशा ही शुरू तो भावें अमृतसर है पूरे पंजाब दे विच एहो जिहा संस्थावां नूं शुरू तो ही जिहड़ा समर्थन दिता वा ते अज तो असीं इन्हां नूं विश्वास दवाने हैं कि यह संस्था नूं किते भी अगर साडी जरूरत पैंदी है तो असीं इन्हां नाल मोढे नाल मोढा ला के नाल खड़े हाँ। तो इहो जिहे काम जिहड़े इन्हां ने शुरुआत की अवेयरनैस की अज आ जिहड़ा छोटा अवेयरनैस प्रोग्राम असीं स्टार्ट किया वा तो अगे आने वाले टाइम दे विच इहो जिही यूथ अज 40 दे हिसाब नाल बच्चे आ कल नूं 4000 भी हो सकदे 40000 भी हो सकदे। मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन करना चाहवागा इन्हां दी पूरी टीम नूं ते मैं लोगों नूं भी अपील करना वा कि जिहड़ा अत्याचार है पशुआं दे उपर बंद किया जाए क्योंकि बहुत सारिया जिहड़े पशु ने या जानवर ने तुहाडियां छोटिया छोटिया चीज़ा करके बहुत सारा जिहड़ा तशद जिहड़ा वा उन्हां नूं सहना पैंदा। सर यह जिहड़ा एक रोड मार्च कढ़िया जा रहा बच्चों वालों होम टू एनिमल्स जिहड़े आ उन्होंने एंटी क्राइम एनिमल प्रोटेक्शन जो कि साडी संस्था है उन्होंने मिल के कढ़िया नॉवल्टी चौंक तो फॉरेस्ट चौंक वाल जिहड़ा है रोड मार्च कढ़िया जाएगा और लोगों को जिहड़ा वो जागरूक किया जाएगा एनिमल्स से रिलेटिड। सर संदेश ये है कि जेड़े भी लोग एनिमल्स से अत्याचार करते हैं उन्होंने आप संदेश दे रहे कि उन्होंने भी एक जिंदगी है फीलिंग्स होंगे तो अं अपने फायदे लिए किसी को नुकसान ना पहुँचाइए। सर ये तो 40 to 50 जेड़े बच्चे जेड़े होम टू एनिमल्स से साढ़े न रिलेट कर रहे ने हिस्सा लिया उन्होंने और साड़ी जी एन जी ओ एंटी क्राइम एनिमल प्रोटेक्शन साढ़े भी 40 to 50 जो मैंबर्स है जी सारे बच्चे जेडे अमृतसर तो ने सारे जेडे स्टूडेंट्स ने और असी खुश होंगे कि स्टूडेंट्स जेडे अगे वध रहे ने इनिशिएटिव ले रहे ने कि एनिमल्स वास्ते कि उन्होंने भी एक बेहतर जिंदगी दी जाए। सर हल जी एक इनिशिएटिव लेना पैंदा वे लोगों को अगे वधना पैंदा है जे तो असं समझा रहे हैं अगे जे लोग उन्होंने भी रिस्पोंस करना पैंता कि जे कोई समझा रहा आप उन्होंने समझिए उन्होंने जे बेनीफिट्स है वो देखिए कि एनीमल्स के भी कुछ बेनीफिट्स है जिदा कोई डिप्रैशन में जो कुछ भी है डॉग अगर पालो तो वह सानू डिप्रैशन तो हील करता वै सो इसलिए आप कहने कि एनीमल्स भी एक वधिया लाइक उन्हों का भी जीवन होना चाहिए। मेरा नाम अभिषेक है मैं 12th क्लास में हूँ स्प्रिंगडेल सीनियर स्कूल और मैं आज सर के साथ मिलके एक रैली मार्च निकालने लगे हैं अगेंस्ट एनिमल क्रुएलिटी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच ग्रेटफुल जो जो यहाँ पे अपना फ्री टाइम निकाल के आए हैं एंड आई एम वेरी मच ऑब्लाइज फॉर देम। हमारा मेन एजेंडा इज़ एनिमल सेंसिटिव सोसाइटी बनाना। लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं जितना भी हमने देखा है जैसे भी केसेस आते हैं बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी के केसेस आते हैं हमें उनको कम करना है एंड अगर हम इकट्ठे होंगे तभी हम वो कर सकते हैं एंड मैं सर का तो स्पेशल थैंक्स करूँगा ही इज़ बिन अ ग्रेट सपोर्ट टू अस एंड कितने स्टूडेंट ने हिस्सा लिया अभी तो 40 हैं बट वी एक्सपेक्ट मोर इन फ्यूचर एंड हम चाहते हैं कि ये बढ़ें। हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं हमें विजिट करो हमें कॉल करो प्लीज़ हमें ज्वाइन करो। एनिमल क्रुएलिटी कम हो। माँ अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशन चंद में कार्तिक मास का तुलसी आमला पूजन मेला धूमधाम से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के दिन दीपदान के साथ संपन्न हो गया। माँ भक्तों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर मंदिर में बने राम तलाई सरोवर में दीपदान कर माँ अन्नपूर्णा की आराधना की। मेले के आखिरी दिन मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने आंवला पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आंवला का पूजन करने उपरांत अन्न ग्रहण किया। मेले में गायिका ज्योति शर्मा एंड पार्टी ने अपनी मधुर स्वर लहरियों में संकीर्तन कर आई हुई संगत का मन मोह लिया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, समाज सेवक संजय कोछड़, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, धर्मपत्नी नीना भंडारी ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर के सदस्यों ने माता की चुनरी ओढ़ाकर गणमान्यों को सम्मानित किया। मेले के समापन पर मंदिर के प्रधान डॉक्टर अनिल ज्योति ने मेले में सहयोग के लिए प्रेस, मीडिया, पुलिस प्रशासन और नगर वासियों का आभार प्रकट किया और आशा जताई कि ये सब धार्मिक कार्यों में इसी प्रकार अपना सहयोग देते रहेंगे।
इस अवसर पर प्रवीण महाजन, विपन उप्पल, डॉक्टर राजेश ज्योति, राजेश शर्मा, भारत भूषण ज्योति, पंकज ज्योति, हितेंद्र कपूर, राकेश पंडित, राजेश नोना, बलवीर ज्योति, नरेंद्रपुरी, सुदर्शन भार्गव, अश्विनी हांडा, लक्की कपिला, राजेंद्र ज्योति, प्रदीप शर्मा, गोपाल कृष्ण, सोनी, अरुण कपूर, राघव ज्योति, दिवाकर सेखड़ी, राकेश भारी, ईश चोपड़ा, विपन शर्मा, सांबरा, शिव शर्मा सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣੇ ਬੋਲਣੇ।